आपका हार्ड एंड मनी जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी कोई छोटी मोटी गलती की वजह से आप ऐसे ही दे रहे हो। अंदर नहीं, नीचे जाके, नीचे वायरिंग हार्नेस और ये बेस ट्यूब, और फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी बेस ट्यूब के इंस्टॉलेशन के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहां सपने होते हैं सच, वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स। और ये जो मैं लिफ्ट में मोटा मोटा स्माइल कर रहा था ना, वो क्यों कर रहा था पता है? क्योंकि कल मैंने थार को ऊपर चढ़ा दिया था और सिविक को नीचे उतार दिया था, और दो दिन से मैं सिविक लेके घूम रहा हूँ यार। हाय, क्योंकि बाहर अभी प्रॉपर धूप है, बारिश के कोई आसार है नहीं, तो यार जब बारिश नहीं होती तब सिविक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। वाह वाह, ये फीलिंग, दिस फीलिंग इज सो इनक्रेडिबल। तो मैं जब दिल्ली गया था तो वहां से मैं गाड़ियों के लिए कुछ कुछ चीजें लेके आया हूँ, इट्स लाइक अ मैंडेटरी थिंग। जैसे फर्स्ट टाइम भी मैं दिल्ली गया था तो वहां से मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स ली थी, दो तीन और चीजें खरीदी थी। इस बार मैं सिविक के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लेके आया हूँ जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, मुझे अमेजोन पे मिल रहा था बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, एंड एक कॉस्मेटिक चीज के लिए मैं इतना पे नहीं करना चाहता था, तो मुझे वो करोल बाग से बहुत अच्छे रेट में मिल गया, वो मैंने खरीद लिया। थार के म्यूजिक सिस्टम के लिए मैंने एक छोटा सा अपग्रेड बहुत अच्छा मुझे मिल गया, तो वो मैंने वहां से ले लिया, सो आई थिंक आई ऑल्सो हैव दैट। वो बस थार में फिटिंग कराना है, आई एम रियली एक्साइटेड, मेरे से अभी वेट नहीं हो पा रहा। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि इस वीकेंड को हम लोग जाके वो थार में फिट करवा लेंगे, सो वो एक चीज हो जाएगी। बट उसी के साथ आई होप आप लोग को जो उत्तराखंड वाली पूरी सीरीज थी वो आप लोग को अच्छी लगी होगी। सिर्फ 3 दिन का ट्रिप था, रिटर्न में थोड़ा हेक्टिक हो गया, बट यार देखो व्हेन यू आर गोइंग टू द माउंटेन्स थिंग्स बिकम अनप्रेडिक्टेबल वेरी इजीली, एंड इट वॉज अ लॉन्ग वीकेंड, सो ऐसी चीजें होती रहती है, सो नथिंग टू कम्प्लेन। बट आई होप आप लोग ने वो सीरीज देखी होगी, आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइए आगे कि वो कैसे थी। एंड वेन एवर यू स्टार्ट योर डे, आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ, इट डज नॉट मैटर वॉट कार यू आर ड्राइविंग, जस्ट मेक श्योर दैट यू वार्म अप योर कार। गाड़ी वार्म अप करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, जब तक आरपीएम 750 तक नहीं आ जाता ना, तब तक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर कार ऑन एंड लेट दी कार्स इंजिन आइडल फॉर सम टाइम। सिविक में यार कुछ कुछ चीजें करवानी है मुझे, आगे के सस्पेंशन एक बार चेक करवाने हैं क्योंकि गटर 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 आवाज आ रही है खड्डों के अंदर। पीछे के सस्पेंशन में ऑलरेडी एक तो लीक हो चुका है, तो पीछे के भी दोनों चेंज कराने हैं, प्लस आई थिंक विद इन द नेक्स्ट फ्यू किलोमीटर्स इसका सर्विस वगैरह आ जाएगा। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि इस बार बाहर करवाने से अच्छा आई विल गो टू होंडा डीलरशिप और सब कुछ मैं वहीं से जेन्युइन डलवाऊंगा, बिकॉज यार विद होंडा यू कैन नेवर गो रॉन्ग, द डीलरशिप, मोस्ट ऑफ द डीलरशिप्स ऑफ होंडा आर जेन्युइन, कभी भी वहां पे फ्रॉड नहीं होता आपके साथ, बाकी सारे डीलरशिप्स के साथ आई डोंट ट्रस्ट सो इजीली। तो वो भी कुछ कुछ चीजें करानी है, देखते हैं ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली करवाएंगे, बट फॉर नाउ द मेजर अपग्रेड इज के हम लोग थार के अंदर साउंड सिस्टम चेंज कराएंगे एंड सिविक के अंदर जो एक छोटा सा कॉस्मेटिक चेंज करना है वो करेंगे। सो फॉर ऑलमोस्ट 2 मिनट्स आई वॉर्म्ड अप माय कार एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अ डे। कल है ना इसका पीयूसी खत्म हो गया था यार, तो सबसे पहले मैंने इसका पीयूसी निकलवा दिया बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरी है ना कुछ कुछ लोगों से बात होती रहती है, तो लोग यूजुअली लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता पीयूसी का और ये सब का, तो यार मेक श्योर दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर अप टू डेट, इंश्योरेंस टाइम पे रिन्यू करा लिया करो, पीयूसी करवा लिया करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना अगर पकड़े गए ना तो यार वो जो फालतू के 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 जो चलान के जाते हैं ना भाई, बहुत चुभता है वो पैसे देने में, पता है? मतलब आपका हार्ड एंड मनी जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी कोई छोटी मोटी गलती की वजह से आप ऐसे ही दे रहे हो, सो इट्स वेरी पेनफुल। सो मेक श्योर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अप टू डेट रखो। और यार एक अलग गाड़ी चलाने का है ना एक फनी अलग होता है, मतलब एवरी डे वेन यू हैव टू व्हीकल्स एंड वेन यू ड्राइव टू डिफरेंट व्हीकल्स द फन इज जस्ट सो डिफरेंट। उसका रीजन ये है कि दिस इज अ पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड 1.8 इंजन, एंड अगर आप कार एंथुजियास्ट तो आपको पता ही होगा कि होंडा सिविक का ये वाला जो इंजन है ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, राइट? इट हैज नथिंग टू डू विद माइलेज,
सो ये चलाने का फन भी अलग है. यू आर सिटिंग लोअर ऑन द ग्राउंड, आप एकदम नीचे बैठे हो, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल विद ऑल द बम्प्स एंड हम्प्स ऑन द रोड, बट आप एकदम रोड के नीचे बैठे हो, आपका सिटिंग पोस्चर एकदम अलग है. एंड देन मैं थोड़ा सा सीट पीछे लेके बैठता हूँ, सो एंड होंडा सीट्स आर अटरली कंफर्टेबल. मतलब अगर आप किसी होंडा में बैठते हो, यू विल लिटरली फील द डिफरेंस के इट इज वे डिफरेंट देन एनी अदर कार मेकर्स ऑफ द ग्लोब. सो वो वाला एक फीलिंग अलग होता है. प्लस जब थार चलाता हूँ, यू फील लाइक इट हैज अ वेरी कमांडिंग पोजिशन, लाइक वेरी फ्यू कार्स इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल एंडेवर हो गई, फॉर्चुनर हो गई, मैं क्रेटा की बात नहीं कर रहा, एंडेवर हो गई, फॉर्चुनर हो गई, एंड ऑल द जायंट एसयूवीज हो गई. सो थार इज लाइक दैट. आप एकदम यू सिट अप एंड यू हैव अ वेरी कमांडिंग ड्राइविंग पोजिशन. 2.2 का टर्बो चार्ज डीजल इंजिन है हमारी थार का. सो यार दोनों अलग अलग गाड़ी का अलग अलग फन है. दिस इज अ मैनुअल विच आई एम ड्राइविंग राइट नाउ एंड थार इज एन ऑटोमेटिक. सो कुछ लोगों का ये भी इश्यू होता है दैट एवरी डे इफ दे हैव टू ड्राइव डिफरेंट कार्स, जैसे अगर एक दिन मैनुअल चलानी पड़ी और नेक्स्ट डे अगर उनको ऑटोमेटिक चलानी पड़ी तो उनको दिक्कत होती है. बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे पहले से आदत है मैनुअल और ऑटो दोनों एक्सचेंज करने की. सो आई रियली डोंट फील इट. अगर क्लच है तो मैं दबा लेता हूँ, अगर नहीं है तो डी में डाल के चल देते अपने. तो जैसे मैं बता रहा था, ये सारा तामझाम है. अंदर जाके गाड़ी में मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं. वो अंदर नहीं, नीचे जाके, नीचे. तो अभी दोनों गाड़ियां स्टार्ट करके मैंने वार्म अप कर दिए, रख दिए. ये सिविक यहाँ से हटा के यहाँ नीचे रख दिए. अभी थार को निकालना है, सिविक को अब मैं ऊपर चढ़ा दूंगा. बट सबसे इम्पोर्टेंट मैं सामान दिखाता हूँ कि सामान के अंदर क्या क्या है. सो ये सिविक का म्यूगेन वाला टेल लैम्प है. अब ये कहाँ कैसे फिट करना है वो अभी चेक करना है, बट दिस इज़ नॉट लाइक अ प्रायोरिटी. ये इंटीरियर क्लीनिंग के लिए ब्रशेस है. ये इंटीरियर क्लीनर का 3M का जो फोमिंग होता है वो है. इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, शायद से बाद में टाइम निकाल के आराम से मुझे इसका इंटीरियर क्लीन करना है. रीज़न बींग इसके बारिश के अंदर है ना, इसमें बहुत सारा फंगस लग गया है. आई डोंट नो इसमें क्लियर दिख रहा है कि नहीं, पर इसके इंटीरियर में बहुत सारा फंगस है तो वो क्लीन करना है. ये तो मेरे शेड्स है, ये थार में रखने हैं. ये भी ये बेस ट्यूब का वायरिंग किट है, ये बेस ट्यूब है. और एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये रही. अरे निकल जा यार, अरे बाप रे अंदर फंस गया ये. एक सेकेंड, हाँ फाइनली निकल गया. तो वो ये है. अब ये मैं पलटा के नहीं दिखा रहा, आप गेस करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि ये क्या हो सकता है. ये सिविक का पार्ट है, इट्स अ कॉस्मेटिक पार्ट, एंड बहुत टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था एंड फाइनली ये मुझे मिल गया. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस टू. सो ये ऑल इन ऑल सिविक की चीज़ें हैं. ये जाएगा थार के अंदर, ये वायरिंग हार्नेस और ये बेस ट्यूब. और फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी बेस ट्यूब के इंस्टॉलेशन के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए. और सिविक यहाँ पे ऊपर चढ़ा दिए मैंने, और सिविक का सामान भी उसके अंदर ही रख दिया है. जितनी चीज़ें सिविक के अंदर करनी है वो सारी उसमें रख दी है. बट अभी इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे कुछ दिनों के लिए. और अभी हमने थार निकाल ली है, और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था बेस ट्यूब, वो बेस ट्यूब डलवाने जा रहा हूँ मैं अभी. ओह गॉड, आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर द आउटपुट यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. इट्स लाइक अ चाइल्डहुड ड्रीम. मैंने बहुत सालों से मैं सोच रहा था कि यार मुझे मेरी कोई भी गाड़ी होगी उसमें बेस ट्यूब डलाना है. मेरे एक दोस्त की गाड़ी में था तो उसकी गाड़ी लेके मैं हर जगह घूमता था, तो और तो तब से मेरे अंदर वो है कि यार मुझे खुद की गाड़ी में बेस ट्यूब डालना है, बेस ट्यूब डालना है. बट अभी नहीं बाद में. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप डिले करते रहते हो कि बाद में कर लूँगा. बट फाइनली वो बाद में आज है, एंड आज हम लोग बेस ट्यूब का इंस्टॉलेशन कराने जा रहे हैं. वेरी एक्साइटेड. मैं आप लोग को जाके दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है और उसका आउटपुट कैसा है. और यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम चालू हो चुका है. सो एक ये सॉकेट है हाई टू लो वाला, सो एक ये वाला सॉकेट लग रहा है. एंड देन अगर मैं बेस ट्यूब दिखाऊं तो बेस ट्यूब इस तरह से यहाँ पे पूरा फिट आ रहा है. सो मैं थोड़ा इस तरह से फिट करा रहा हूँ कि इसको निकालने के टाइम पे निकाल भी सकते हैं, और जब फिट करना हो तब फिट भी कर सकते हैं. एंड देन ये उसके वायरिंग का किट है जो मैंने पहले भी दिखाया आपको. तो इस तरह से अब इसका फिटिंग का काम शुरू होगा. और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से बैटरी का जो पावर वाला जो पॉजिटिव जाता है ना, वो यहाँ से अंदर जा रहा है. सो वो बैटरी से जाएगा सीधा. फिर एक जो अपना फाइबर कोन वाला स्पीकर है वहाँ से एक जाएगा, वो कन्वर्टर में जाएगा, एक अर्थिंग जाएगा, और फिर वो तीनों तीन वायर पीछे जाएंगे. तो
तो इस तरह से इसका फिटिंग होता है। मैं थोड़ा भैया का दिमाग भी खा रहा हूँ कि यार मेरे को समझाते जाना क्या कैसे होता है, बट यार कंपनी कितने स्मार्ट है ना, उन लोग ने पहले से एक सॉकेट देखे रखा है जिसको हल्का सा कट करके उसी के अंदर से हम लोग वायर पास कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट थिंग यार। और भैया इससे गाड़ी का वो वाटर प्रूफिंग वाला जो वो होता है वो डैमेज होता है क्या, पानी नहीं जाता ना अंदर? यार ये बड़ी सही चीज़ है, पता है ये ऑलरेडी ये लोग ऑलरेडी ये वाला प्रोविजन देते ही है, क्या उनको पता ही है क्या इसके साउंड सिस्टम लोग अपग्रेड करने ही वाले हैं? दिस इज़ वेरी नाइस। और ये यहाँ से हम लोग का पूरा वायरिंग जा रहा है, ये वाली पैनल से पूरा पीछे की तरफ जाएगा। सो हुआ क्या है कि यहाँ से स्पीकर से इनपुट लेके कन्वर्टर में डाल दिया, तो मेन सिस्टम से इनपुट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा वायर जो है वो यहाँ पे जो 12 वोल्ट का जो उसका होता है सॉकेट होता है उसके अंदर पीछे की तरफ कनेक्शन दे दिया, तो वो ऑन एंड ऑफ का हो गया। जैसे हम लोग जैसे ही गाड़ी ऑफ करेंगे वैसे वो ऑफ हो जाएगा, जैसे गाड़ी ऑन किया वैसे वो ऑन हो जाएगा। तो वहाँ से सारा ये कन्वर्टर में गया। एक पावर का जो है, पावर का जैसे मैंने आप लोग को दिखाया, तो ये वाला जो प्लग है पावर का प्लग यहाँ पे बैटरी में लग जाएगा, तो बैटरी का कनेक्शन आ गया और वो इस होल के थ्रू वहीं पे जा रहा है। तो सारे वायर्स यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होंगे एंड देन यहाँ से पूरा कनेक्शन पीछे जाएगा बेस ट्यूब की तरफ। तब ऑलरेडी हम लोग का फाइनल फिटिंग ही चल रहा है, तो वो कराते हैं एंड देन जस्ट कैन नॉट वेट फॉर द आउटपुट यार, रियली एक्साइटेड। शाम को पूरी गाड़ी का काम करा के मैं इतना थक चुका था, मेरे को आते आते इतना लेट हो गया कि मैं घर आके सीधा नहा धो के मैंने डिनर किया और थोड़ी देर आराम कर रहा था। बट उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया, अंदर इतना एक्साइटमेंट हुआ, मैंने कहा नहीं यार एक राउंड मारने तो जाना है। तो फिर मम्मी और सिस्टर को लेकर निकला था और हम लोग ने मस्त एक राउंड मारा एंड हाय दिल में बेस बजने लगा। सो इट इज़ रियली नाइस। एक बचपन का सपना था वो मैंने पूरा किया कि मुझे अपनी गाड़ी के अंदर एक बेस ट्यूब लगवाना है एंड दैट्स व्हाट वी डू इट, वी लीव ड्रीम्स राइट। एंड इसी के साथ अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यू लाइक द वीडियो, शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों को बेस ट्यूब कैसा लगा, परफॉर्मेंस कैसा लगा। वैसे वीडियो में इतना पता नहीं लगा होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू लिव योर ड्रीम्स, लिविंग ड्रीम्स।